अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा भाई और हम जा रहे हैं दावत पे। बैठो मेरे भाई, चलते हैं अपन। टाइम वेस्ट नहीं करता ज्यादा, आपको खाना दिखाता हूँ, मैं खाना कैसे खाते हैं मैं आपको टीच करूंगा। ठीक है, गुड हो गया। ये केक लिया है, इसके ऊपर लिखवाएंगे 30 के सब्सक्राइबर्स, और हमें आज क्रेडिट भी देना है ब्लैक एंड ब्राउन। यहाँ पे कुछ फ्राइज आ चुके हैं और ये पता नहीं क्या है सर, ये क्या है? डायनामाइट चिकन। बट एक्सपर्ट भाई, ये क्या पी रहे हो आप? यखनी थी जो पी चुके यखनी। फ्राइज अच्छे हैं। हाँ, शायद भाई भी हमारे साथ है। मैंने तो अभी नोट किया इस कैमरा में। चलो ये भी ठीक है, ऐसा ब्लॉग था वो तो पंजाब ब्लॉग था। जब कट क्यों काटे और भी आने दो। आंखें तेज करोगे बट एक्सपर्ट गाजर आ गई। हाँ भाई, अब क्या करना सर? आपका फेवरेट कौन सा है इन सब में से? मुझे तो तुम्हें पता है राइस अच्छे लगते हैं। मटन एंड राइस माय फेवरेट। ओह माय गॉड। इन्हें जो फॉइल बता रहा है, फॉइल का फॉइल पेपर हटाओ उसको। मेरा पूरा व्हाट इज दैट सर? ये ऐसे खाते हैं, इसको उठाओ फिर ग्रीन चटनी में डिप करो, रेड चटनी कहाँ गई? तेरी पान के खोलो फिर खाओ। कहाँ गई ये? डिप करो फिर से खाओ। स्टीम हो गई। भाई खोलो, क्या हो गया भाई? भाई ये क्या खोल रहे हो तुम? ये खोलेगा पता चलेगा, मुझे खुद नहीं पता, मुझसे पूछ रहे हो। ये वहाँ से खुल गया, वो देखो। ओए ओए ओए, फूड व्लॉग है ये तो। बहुत ही आला यार, इस बार सर ने ना मतलब ज़्यादा भी चीज़ें नहीं मंगवाई और जो भी मंगवाई है अच्छी चीज़ें मंगवाई। ज़बरदस्त। हाँ, वैसे हम मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था ये चीज़ें, मतलब कबाब खाता हूँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, वेरी नाइस। है ना ये क्या है सर? मंदी है ना। अच्छा, मैंने कभी खाया नहीं है ये। चलो खाते हैं फिर, चलो खाओ इसको। ये मीठा कुनाफे। जी सही, कुनाफे। कुनाफे अरेबियन है अपना। अच्छा, इसको खाएंगे। लग रहा है अजीब, लग रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। ट्राई करके देखते हैं। सही, इसको अजीब क्यों लग रहा है? अब इसकी सोच है, इसको क्या कह सकते हैं, मगर ट्राई करो, बाद में बताओ अजीब है या सही है। हाँ, ये बात भी है। खाओ इसका भी। बड़ी भाई क्या फीलिंग्स है? साई ने केक कब बनवाया? साई आपने केक कब बनवाया? केक मैंने कल बनवाया था। हाँ, मुझे साई ने बताया था, सरप्राइज था, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्या सोच रहे हो? वेरी नाइस, गुल हो गया मैं। जब सरप्राइज कोई देता है तो मैं गुल हो जाता हूँ। ओए होए हाय, प्रिंटिंग चेक करो। ये हमारा केक है, ये साईं का केक है। तो हमने भी 30 के सब्सक्राइबर्स वाला बनवाया था। 30 के ये रे सब्सक्राइबर्स, ये रे फुल। यहाँ से देख लो, यो एक दिन हमारे भी इतने होंगे। इंशाल्लाह। साईं
यो मोहब्बतें बांटो मुझे खिलाओ भाई मैं अपने आप को केक खिलाऊं थैंक यू सर कांग्रेचुलेशन थैंक यू हमने वो सेलिब्रेट नहीं किया जिसमें बहुत शोर शराबा होता है क्योंकि माहौल खराब हो गया हम ऐसी जगह पे बैठे हैं केक बहुत ही आला है सर ने पता नहीं कैसे बनवाया बहुत ही आला ये मेरा YouTube का बैनर DP बहुत ही क्लास थैंक यू सर वेलकम थैंक यू वेलकम आजकल ऐसी प्रिंटिंग भी हो रही है थैंक यू हम साईं को भी खिलाएंगे शायद ये बार वो केक ये लो केक खाओ मैंने खाया पार्सल ले वहां जी जी नहीं इधर सर के खाना क्या तुम नहीं खाओगे अभी ये मैं खाऊंगा नहीं नहीं हाथ से खाओ उसके ये मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट दोनों बहुत ही आला थैंक यू सर थैंक यू दूसरी चीज ये हम लेके जाएंगे और ये सर लेके जाएंगे ये गुड हो गया जी अभी क्यू एन ए सेक्शन होगा ओके लेट्स स्टार्ट द क्यू एन ए सेक्शन ओके ये सर को हमने केक दिया सर ने हमको ये केक दिया भाटी एक्सपर्ट वाला सर अपने घर लेके जा रहे हैं सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डिनर और ये हम लेके जा रहे हैं हम ये मेरे ब्लॉग में होगा तुम्हारे ब्लॉग क्यों बताओ मुझे नहीं नहीं बताओ नहीं बताऊंगा सही ने दावत इसलिए दी है क्योंकि भट्टी भाई के 30 के सब्सक्राइबर्स तो कहे इस वजह से सही जी सही जी जी थैंक यू सो मच सर अपना केक भी इसीलिए बनवाया अभी भट्टी भाई कब देंगे भाई अभी मैं सखर से आऊंगा फिर वापसी केक पे अच्छा फिर दोगे चलो ये भी ठीक है रिया आबादी ओके गाइस अभी हम खा पी कर जा रहे हैं अपने घर साईं को देते हैं ज़्यादा साईं से थैंक यू सो मच वंस अगेन और साईं और कुछ हो जाए थैंक यू सो मच ये शेड कहाँ से आ रहा है वो बल्लभ वो पीछे बल्लभ है इसलिए सही थैंक यू सो मच ओके साईं बिल्कुल और कुछ चाय पी के जाओ नेक्स्ट टाइम कब आएगा जब बुलाओगे तब साईं आज बुला रहे हैं अभी बुला रहे हैं चलो हम सखर से आए फिर आपको आपकी लेंस मैंने अभी देखे हैं ब्लू ब्लू मुझे इन ब्लू लेंस से कोई याद आया लड़की का चक्कर है मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी अब वो उसका ब्रेकअप हो चुका है बस ये दुख भरी आत्मा याद ठीक है सही अल्लाह हाफिज़